जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा बिहार और भारत की समस्या खत्म होने वाली नहीं। अब इनको भूमि सर्वे याद आया है, जो 1911 में वादा किए थे कि भूमिहीनों को जमीन देंगे 3 डिसमिल, वो अब कर रहे हैं क्योंकि 2025 का कृषि हफियाना चाहते हैं। पुल गिरता है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार होते हैं, लेकिन नौकरी देने के बाद आता है तो बोलते कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। ये सत्ता की लालच में से हो रहा है, बिहार के विकास के लिए नहीं हो रहा। मद्रास में लोग कहता है कि बिहार के युवा पखाना साफ करने आते हैं, तरह घर में झाड़ू लगाने आते हैं, इससे बड़ा मुख्यमंत्री के शर्म की और क्या बात होनी चाहिए। बदलाव विकास का केंद्र होता है, बदलाव इस बार होगा। नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने 10-12 सांसदों के सहयोग के लिए जो है बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में दे देते हैं। हम लोग यहाँ गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। गिरिराज मौका किसको देना चाहते हैं? मौका ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, जनता किसे पसंद करेगी? विधानसभा चुनाव में बहुत कमी समय बाकी है, ऐसे में हम लोग जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि जनता की पहली पसंद कौन है, नीतीश कुमार ही है या बदलाव चाहते हैं इस बार? देखिए, ये हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, तो बिहार का जो मुख्यमंत्री का सवाल है वो मौका अगला को भी देना चाहिए। ये विगत 20 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और ये जिस मुद्दे को ये जनता के बीच में रखे थे कि मैं बेरोजगारी के पलायन को रोकूंगा, भूमिहीनों को जमीन दूंगा, ये दोनों कंडीशन में फेल्योर है। आप जाके देख लीजिए, राजेंद्र नगर स्टेशन, पटना जंक्शन स्टेशन, जो भी ट्रेनें चेन्नई जाती है, दिल्ली जाती है, उस पर क्या स्थिति है युवाओं का? सीमेंट के बोरियों के तरह एक दूसरे पे लद के दिल्ली खड़े खड़े अभी जाएंगे, अभी आ रही है संपूर्ण क्रांति में। देखिए, हम अभी राजेंद्र नगर से आ रहे हैं तो ये हमने नज़ारा देखा है, तो हमको ये बड़ा अजीब लगा कि जो मुख्यमंत्री जिस मुद्दे को जनता के बीच में रख के मुख्यमंत्री का पद हासिल कर लेते हैं। यहाँ मद्रास में लोग कहता है कि बिहार के युवा पखाना साफ करने आते हैं, तरह घर में झाड़ू लगाने आते हैं, इससे बड़ा मुख्यमंत्री के शर्म की और क्या बात होनी चाहिए? ये स्पष्टवादिता से बात होनी चाहिए। मैडम, भारत के सबसे विद्वान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि भारत का सबसे बड़ा समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है, और ये जातिवाद कैसे खत्म होगा? इंटरक्रॉस मैरिज से खत्म होगा, ये हायर एजुकेशन से खत्म होगा। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा बिहार और भारत की समस्या खत्म होने वाली नहीं। बदलना चाहते, बदलाव चाहते, एक बदलाव तो चाहिए। अमेरिका में कानून है कि कोई भी एक व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं होगा, आए मुख्यमंत्री नहीं, वो कंडीशन यहाँ भी लागू होना चाहिए। क्यों आखिर हुआ? वहाँ के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने कहा कि जनता ही जनता के द्वारा जनता के लिए काम करे, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। कोई भी योजना अगर मुख्यमंत्री, लालू यादव भी एक जमाने में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, एक जमाने में थे, उनका 5 साल शासन बहुत अच्छा था, ये कोई नहीं काट सकता। 10 साल, इनका 10 साल भी बहुत अच्छे शासन था। आप किसे जनता के बीच में अभी तक लोकप्रिय बने हुए बगैर अच्छाई के ही, कुछ अच्छाई है तभी तो वो बने हुए। आज भी जो है सो कि वो उन्हें चलने में दिक्कत होता है, लालू यादव जी को आप उनके आवास पर देखिए, हजारों आदमी मिलने के लिए खड़ा होगा। कुछ तो खासियत है, कुछ तो क्वालिटी है, तब तो अभी भी लोग इतना लगे हुए। मौका किसको देना चाहते हैं? मौका ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, कौन बनेगा ये आने वाला भविष्य तय करेगा। कोई भी बने, लेकिन अब बदलनी चाहिए, क्योंकि 20 साल बहुत समय होता है, 20 साल। अब इनको भूमि सर्वे याद आया है, जो 1911 में वादा किए थे कि भूमिहीनों को जमीन देंगे 3 डिसमिल, वो अब कर रहे हैं क्योंकि 2025 का कृषि हफियाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने 10-12 सांसदों के सहयोग के लिए जो है बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में दे देते हैं। नीतीश कुमार ऐसे हैं कि कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, पंछी से भी इनका जो है व्यवहार गड़बड़ हो गया है। मैडम, ये सोचने वाली बात है, ये सत्ता की लालच में से हो रहा है, बिहार के विकास के लिए नहीं हो रहा। विकास पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया। वो टाइम था इनको विकास, ये जब भी इनका जब
एक समय में अंतकाल सबका होगा। ये जब इनका जो है अंतकाल आएगा, इनकी जब काम तमाम होगा, इस दुनिया से विदा लेंगे, इनके स्टैचू के नीचे विकास पुरुष लिखा जाएगा, ये इस बात को कोई नहीं काट सकता। लेकिन एक टाइम होता है, टाइम के अंतर्गत होना चाहिए। अब्राहम लिंकन भी अमेरिका के सबसे बढ़िया राष्ट्रपति थे, लेकिन एक निश्चित समय के लिए कोई भी चीज़ सही होता। अब हम कॉलेज में जाएं, हम जो है सो की कॉपी किताब लेके, तो ये शोभा नहीं देगा। इसलिए अब इनको स्वेच्छा से रिटायर करके कोई प्रदेश के गवर्नर बन जाना चाहिए, ये बना देगा भी बदलाव चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही ठीक है? नीतीश कुमार भी ठीक है। नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अभी नया युवा में चिराग पासवान तेजस्वी भी बढ़िया है। दोनों में से कौन बेहतर? चिराग पासवान जी। कौन बेहतर होंगे बिहार में? यहाँ मतलब कि पूरी तौर पे यहाँ भाजपा की सरकार बने, बस हम लोग यही चाहते हैं। चिराग पासवान शिक्षित है, हाँ भाजपा की सरकार, ओनली फॉर ओनली, केवल भाजपा की सरकार, किसी का समर्थन नहीं, अकेले नीतीश कुमार को साइड कर, हाँ नीतीश कुमार एकदम साइड हो जाए, और टोटल कुमार के बिना सरकार बन पाएगी? टोटल के टोटल सीट पे भाजपा अपना उम्मीदवार उतारे और पूरा बिहार भाजपा के साथ है। नीतीश कुमार फिर क्या करेंगे? नीतीश कुमार अब दिल्ली का राजनीति करे, दिल्ली में कोई मंत्री उनको बना दिया जाए, वहीं उनको शिफ्ट कर दिया जाए। कौन बिहार के लिए सही है? तेजस्वी है। क्यों? तेजस्वी बढ़िया आदमी है, युवा नेता, वो आवेंगे तो सोच बदलेगा, शिक्षा उच्चा चिराग पासवान तेजस्वी तो यूपीएससी, चिराग यूपीएससी पास कर, बदलाव चाहिए, बदलाव विकास का केंद्र होता है, बदलाव इस बार होगा, जो भी मुख्यमंत्री बने, बस हम युवा को देखना चाहते हैं, नया सोच, नई विकास। हम लोग यहाँ गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ओनली फॉर गिरिराज सिंह को हम लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुखिया कभी बनेंगे? ये बोले वो फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार, फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने लगता है, वो बेगूसराय से इसीलिए गिरिराज सिंह को बोल रहा है। कौन बेहतर होंगे बिहार? हम लोग चिरागो नहीं है, हम लोग तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी क्या है? 17 महीना में दिए नौकरी, पुल गिरता है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार होते हैं, लेकिन नौकरी देने के बाद आते हैं तो बोलते कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। तो सुना आपने, जनता ने क्या कुछ कहा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता ने अपना राय बता दिया है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।